अब ये कि राइस को मैंने यहाँ पर रख दिया था बॉयल होने के लिए, तो चावल जो है हमारे बड़े अच्छे से उबल गए हैं और बहुत अच्छे वाले राइस हैं ये, ज़बरदस्त किस्म के। इसको हम करेंगे पहले ड्रेन, थोड़े से ऑयल के अंदर हम प्याज को करते हैं, ये इसमें जाएगी प्याज, थोड़ी सी प्याज ऊपर से भी डालेंगे, जो फ्राई करके ऊपर डालते हैं इसलिए हम थोड़ी सी प्याज ऊपर से भी डालेंगे। और प्याज यहाँ पर फ्राई करके निकाल लिया, ठीक है जी। थोड़ी सी मेरे पास फ्राई प्याज भी थी तो वो भी मैंने इसके अंदर मिक्स कर ली, ठीक है। हमने प्याज फ्राई करके निकाल लिया, लेकिन बहुत ज़्यादा डार्क कलर में मैंने नहीं किया, थोड़ा सा लाइट में किया है। अच्छा जी, इस तरह से मैंने कहा ये थोड़ी सी वाइट तरह की बिरयानी की। अच्छा, उसके बाद वो बचा हुआ जो ऑयल था उसके अंदर मैंने चिकन डाल दिया, गरम मसाला साबुत वाला, अदरक लहसुन, थोड़ा सा नमक पेस्ट ले लें या साबुत हरी मिर्च ले लें, स्लाइस में कटिंग कर लीजिएगा। ये देखिए मैंने मोटे मोटे टमाटर कटिंग करी, मैं बारीक थिन स्लाइस नहीं कट करी। अब ये हम इसमें डाल देते हैं, थोड़े ये सॉफ्ट होंगे, थोड़ा सा हरा धनिया, पुदीना ये भी डाल देते हैं, क्रीम इसमें जाएगी, दही इसमें जाएगा, फिर राइस जो है हम दम पे रखेंगे। चलो ये इसके अंदर डाल देते हैं, हरी मिर्च, धनिया, पुदीना। अच्छा, राइस को हमने बॉईल करके रख लिया, इसमें वही सेम थोड़ा सा डाल दिया था हमने नमक। और एक दफ़ा जब मैंने इसको ड्रेन करने के लिए निकाला छन्नी में, तो उसके बाद मैंने इसको थोड़ा सा झटक दिया और उसके बाद दोबारा इस पैन में डाल दिया, तो उससे ये कि ये दाने अलग अलग नज़र आ रहे हैं ना आपको, ये देखे चावल का दाना, वही वजह होती है कि हम इसको खाली आपने छन्ने में रखा, छन्ने में जब आपने रखा तो वो जुड़ जाते हैं, लेकिन जब छन्ने में रखने के बाद आपने इसको थोड़ा हवा निकाल देनी है, मतलब है कि इसकी स्टीम निकाल लीजिए, जब स्टीम निकाल लेंगे तो ये जुड़ेंगे नहीं, एक एक दाना इसका अलग होगा। इंतज़ार कर रही थी कि थोड़ा सा चिकन जो है अच्छी तरह से गल जाए, तो थोड़ा सा हम इसमें डाल देते हैं ये हल्दी वाला मसाला, ठीक है, इससे भी थोड़ा इसका कलर ज़रा सा अच्छा आ जाएगा। अच्छा, अब क्रीम भी इसमें जाएगी और दही भी जाएगा, ये देखें अभी थोड़ा ये हल्का सा, थोड़े पानी भी इसमें है और ये भी गली भी नहीं है सही से। चलें जी, अब थोड़ा मैं इसको हाई फ्लेम करती हूँ, बाकी प्याज ऊपर डाल देंगे, इसके बाद इसमें जाएगा दही। चलें जी, मुझे वो फैटा हुआ था इसकी समझ नहीं आ रही, ठीक है। इसके बाद इसमें जाएगी क्रीम, चम्मच चला रही हूँ, फिर इसको दम पे रखें, ये ड्राई कर दिया मसाला। अब इसके ऊपर जाएंगे राइस, राइस के ऊपर जाएगा येलो फूड कलर, बिस्मिल्लाह। ये इसके अंदर जाएगा जो हमने केवड़ा एसेंस, उसके बाद इसके ऊपर जाएगा ये फूड कलर। अब इसके ऊपर थोड़ा सा पानी डालेंगे, ठीक है, थोड़ा पानी डालते हैं, और इसके ऊपर जाएगा यहाँ पर कुकिंग ऑयल, जो मैंने कहा था कि हम बाद में ऊपर से थोड़ा सा डालेंगे। बस अब इसको दम पे रख देते हैं, आराम से ये दम आता रहेगा। अफगानी चिकन बिरयानी, अज्जा चिकन 1 किलो, चावल 3 पाव, प्याज 2 कप, क्रीम 1 कप, मिक्स साबित गर्म मसाला 2 खाने के चमचे, नमक 2 चाय के चमचे, मक्खन 100 ग्राम, अदरक लहसुन 1 खाने का चमचा, हरी मिर्च 10 अदद, दही 1 पाव, हरा धनिया 1 गट्ठी, पुदीना 1 गट्ठी, केवड़ा एसेंस चंद कतरे, नमक 2 चाय के चमचे, टमाटर 4 अदद, घी 1 कप, जर्दे का रंग हसबे ज़रूरत।